का नाम है प्रवीण डोगरा, वो पश्चिमी मंडल अध्यक्ष भाजपा के वहाँ पर कार्य देखते हैं बीजेपी का, और एक बहुत ही पुराने कार्य यूपी के अंदर उनके द्वारा किया जाता है। उनको आगे जानते हैं प्रवीण जी से क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा त्यौहार आ रहा है लोहड़ी और मकर संक्रांति, क्या कहेंगे? सबसे पहले आपकी टीम को मकर संक्रांति और लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएँ। मेरे शहरवासियों को, मेरे प्रदेशवासियों को, मेरे देशवासियों को मकर संक्रांति और लोहड़ी की बहुत बहुत लाख लाख बधाइयाँ और बहुत शुभकामनाएँ। मकर संक्रांति और लोहड़ी का त्यौहार शरद ऋतु का ये जाने का समय आने वाला रहता है, उसमें लोहड़ी और मकर संक्रांति का त्यौहार है। देश के मुख्य त्यौहारों में जो त्यौहार आते हैं वो बड़े उत्सव का त्यौहार है। यहाँ से धीरे धीरे उत्सवों की प्रोग्रेस की शुरुआत हो जाती है, और लोहड़ी का त्यौहार मुख्य रूप से पंजाब में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अपने अन्य क्षेत्रों में भी, उत्तराखंड में भी, उत्तर प्रदेश में भी, अन्य क्षेत्रों में लोहड़ी की बड़ी धूमधाम रहती है। यहाँ भी पिछले कई दिनों से बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं बड़े उत्सव का, जैसे होली के टाइम पे हम उत्सव मनाते हैं, बड़ा धूमधाम से मनाते हैं, उसी तरह से लोहड़ी का त्यौहार भी बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। प्रवीण जी, उपजाऊ भूमि के लिए, उपजाऊ फसलों के लिए लोहड़ी मनाई जाती है, क्या कहेंगे? बेसिकली लोहड़ी का त्यौहार जो फसलों के लिए मनाया जाता है, फसलों में ये जो ऋतु है, इस ऋतु में जैसे अभी बरसात का बड़ा चल रहा है तो फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक रहता है। सर्दियों की फसलें, खासतौर से गेहूं की जो फसल है, अनाज की जो फसल है, वो ऐसे मौसम में जैसा अभी चल रहा है बड़ी फलती फूलती है और बड़ी अच्छी फसल होने की उम्मीदें ऐसी रहती हैं। उसी प्रकार से हम बात करें पहाड़ों की, क्योंकि हमारा प्रदेश जो है वो पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर सब कुछ पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ जो हैं वो बर्फ के ऊपर ही, स्नोफॉल के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, और बहुत अच्छी स्नोफॉल इस बार पहाड़ों में हो रही है। तो आने वाला समय जो होगा, ये साल जो होगा, मुझे लगता है कि पहाड़ में खेती के लिहाज से बहुत ही उपयोगी रहेगा। मकर संक्रांति की बात करें तो एक त्यौहार मकर संक्रांति जो आ रहा है उसके बारे में क्या है? मकर संक्रांति ये है जो है संक्रमण काल जो है वो जाना जाता है। ज्योतिष में मकर संक्रांति का बहुत महत्व है, और मकर संक्रांति जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है। ग्रहों की दशा, ग्रहों की चाल, मकर संक्रांति ग्रहों को प्रभावित करती है। यह पौराणिक त्यौहार है और इसका हमारे जीवन में बहुत विशेष है। आपको कहना है कि जो फसलें हैं उनके जो परिवर्तन होते हैं ऋतुओं के, उनके आधार पर लोहड़ी त्यौहार यहाँ मनाया जाता है।